तो दोस्तों ठहाके लगाकर हंस पड़े प्रतीक सहजपाल की जर्नी वीडियो देखकर करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश। जी हाँ, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कल के दिन बिग बॉस के घर में जर्नी वीडियो का सिलसिला चालू हुआ, जहां पर तेजस्वी से लेकर करण कुंद्रा, करण कुंद्रा से लेकर शमिता, रश्मि देसाई प्लस अपने क्या कहते हैं निशांत और लास्ट प्रतीक, आखिरी में प्रतीक की जर्नी वीडियो देखी गई है दोस्तों। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रतीक की ऐसी जर्नी वीडियो थी जिसे देखकर खिलखिलाकर हंस पड़े प्रतीक सहजपाल के ही मेंटोर और फ्रेनिमी यानी कि करण कुंद्रा और तेजस्वी, और बोलने लगे भैया ये कैसी जर्नी वीडियो है। जी हाँ, तो इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो कर लो अभी तक, ठीक है, क्योंकि बिग बॉस खत्म होने वाला है, फिर बातचीत करेंगे विड्रॉल सिम्टम्स। अब दोस्तों बात करें अगर तो प्रतीक की जर्नी वीडियो में क्या था ऐसा। प्रतीक सहजपाल ओटीटी से बिग बॉस 15 में आया। ओटीटी में प्रतीक सहजपाल ने बैग उठाया, निकल लिया आगे, ठीक है। अब यहां पर प्रतीक सहजपाल की अगर बात करें दोस्तों, तो प्रतीक सहजपाल की ओटीटी की एंट्री, फिर उसके बाद यहां की एंट्री, ये सबका कोलैबोरेशन दिखाया गया प्रतीक की इस जर्नी वीडियो में, यानी कि सीजन 15 की जर्नी वीडियो में, जहां पे नेहा के साथ उनकी फाइट, उनके अच्छे मोमेंट्स, नेहा के साथ कितने खास मोमेंट्स थे ये तो हमें पता ही है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करें तो बिग बॉस 15 में आकाशा के साथ फाइट, विधि के साथ फाइट, ये अपना देवोलीना के साथ एंगल, माइशा के साथ एंगल, और अगेन नेहा के साथ एंगल, ये सब मिला के दिखाया गया। ऐसा लग रहा था कि ये प्रतीक की जर्नी वीडियो नहीं बल्कि प्रतीक की आशिकी की जर्नी वीडियो है जो कि उसने बिग बॉस में करी है या दोस्तियां जो निभाई है। अब ऐसे में आप लोगों को क्या है कहना, इसी चीज को देखकर हंस पड़े करण तेजस्वी, कमेंट करके जरूर बताएं।